गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं और ये देखो मैं ली हुई हूँ पानी। तो सुबह सुबह मैं पानी पीती हूँ सो के उठने के बाद, और वो भी पानी पीती हूँ मैं बालकनी में आराम से बैठ के पीती हूँ। मैं अभी बालकनी में आ गई हूँ क्योंकि अभी एकदम मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पानी पीते हैं और बैठते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग एक्सरसाइज करूँगी, ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। पहले सुबह उठ के ना मैं प्यूरीफायर चालू कर देती हूँ क्योंकि ना फिर पानी गर्म हो जाता है क्योंकि इतना तेज़ धूप निकल रही है ना, तो प्यूरीफायर चालू कर दिया है। पानी जब तक पानी भरेगा प्यूरीफायर में, उसके बाद उसको मैं मटके में भर दूँगी। तो मटके में भर के फिर हम लोग पीते हैं। और टाइम अभी ये देखिए इतना हो रहा है, ये मैंने नहा लिया है एंड ये सारे कपड़े थे जो मैंने हाथ से धुल के डाल दिए हैं क्योंकि सूट थे, तो मैं सूटों को मशीन में नहीं डालती क्योंकि उनमें निकलता है कलर। और बाकी जो जीन्स वगैरह थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। ये यहाँ पे मशीन चालू है एंड इसकी आवाज़ आ रही है, ये हो रहा है स्पिन। सो गाइस, आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था हेयर वॉश नहीं किया था। और अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, तो अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, ये लोग उठे भी नहीं है। सो इसलिए मैंने आराम आराम से अपना काम निपटा लिया, घर का सारा काम खत्म हो गया है, बस मुझे अभी ब्रेकफास्ट ही बनाना है। सो फटाक से वो बनाते हैं और ब्रेकफास्ट मैं बनाऊँगी। आज मैं ये रखी है मेरी बीन्स जो मुझे बहुत पसंद है बीन्स, सो आज मैं बीन्स की सब्जी बनाने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग, उठो, आप तो बेड से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए हो सोते सोते, पापा के पैर और आपका सर। उठो भाई उठो, सुबह हो गई है तो मम्मा ने हनुमी कर ली और आप छोड़ रहे हो अभी तक। उठो, आई ओपन करो। चलो उठो, हम आपको मिल्क रेडी करते हैं। एंड ये देखिए, सो ये लोग तो उठ भी नहीं रहे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ये देखो उल्टा पैंट पहन के सोता है, इसको रात में मैंने पैंट दिया था क्योंकि ना एसी चलता तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है रूम, तो मैंने इसको पैंट पहनने को दिया और पैंट उल्टा ही पहन के सो गया है। तो सब्जी रेडी है यहाँ पे, बीन्स आलू एंड टमाटर की। तो सब्जी यहाँ पे मेरी बन गई है एंड ये यहाँ पे मैंने आटा लगा के रखा हुआ है, तो मैं फटाफट से पराठा सेक लेती हूँ। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये देखो इसने पूरा बेलन छवा दिया है। मैंने यहाँ पे आटा लगा के रखा था, ये आया इसने पूरा यहाँ पे गंदा कर दिया एंड बेलन को भी देखो किस तरीके से इसने बिड़ा दिया है। क्यों, और मम्मा रोटी कैसे बनाएगी अब? चलो छोड़ो छोड़ो, नाइफ नहीं छोड़, नाइफ नहीं छोड़ते छोटे बच्चे। ये देखो हमारा लड़का इतना बड़ा हो गया, खुद से नहाने लग गया है। क्यों, ये देखो भर भर के सावन को घोरा जा रहा है। इतना ज्यादा नहीं लगाते, थोड़ा सा लगाते। चलो ठीक है, नहा लो, अब मुझे इसको नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जाता है खुद से बाथरूम में, खूब दम भर के ना साबुन लगाता है और फिर पानी लगाएगा, मतलब पानी फैलाएगा, पानी फैलाएगा मतलब मैं उसको एक बाल्टी दे देती हूँ, इतने ही पानी में नहाना है, चाहे आप फैला लो चाहे नहा लो। अब वो बोलता मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद से नहाऊंगा, अपने हाथों से नहाऊंगा, इसलिए वो अपने हाथों से ही नहाता है। थोड़ा सा बाद में मैं जाती हूँ तो उसको बॉडी वॉडी को रब कर देती हूँ क्योंकि वो पूरा साबुन जमा रहता है, ऐसे नहाता है। सो गाइस, सारे काम से फ्री होने के बाद मैं बैठ गई थी वीडियो को एडिट करने के लिए, तो मेरा वीडियो एडिट हो गया है, वहाँ पे वो वीडियो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। मुझे रुदांश का होमवर्क करवाना है, तो ये देखिए ये बिल्कुल मेरे नाक में ना दम करके रखा हुआ है इसने, ये वाला होमवर्क करवाने के लिए। सो यहाँ पे ये टी शर्ट है, इसमें ना स्टार को पेस्ट करना है, ये पेस्ट करना है स्टार। आर यू रेडी? चलो बैठो, सारे स्टार यहाँ पे निकालो एंड बन बन करके उठाएंगे और थोड़ा सा हम फेविक्विक लगाएंगे और इस पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, टॉम इज एंग्री, मेक हिम हैप्पी बाय पेस्टिंग कलरफुल स्टार ऑन हिज टी शर्ट। टॉम कैसा है? एंग्री। रांश का होमवर्क अधूरा ही रह गया क्योंकि हमारे स्टार वो खत्म हो गए हैं। बस ओनली आज 3 पे हो पाया, ये वाली कंप्लीट हो गई, ये भी हो गई एंड इधर नहीं हो पाया कि... कोई नहीं, हमें जितना है हम उतने से ही कर लेंगे, बाद में लेके आएंगे फिर। ओइच, ये आ गई आ गई, पकड़ो 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 पकड़ो।
डंडा लेके आया है। ये क्या है? हमारी गिलोय यहाँ से लेके यहाँ तक आधी रेलिंग तक पहुँच गई है। जब हम घर गए हुए थे तब इसमें एक भी पत्ती नहीं थी, अब इतनी बढ़ गई है, हरी हरी एकदम बालकनी हमारी हरी हरी हो गई है। तुलसी का पेड़, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, सारे पेड़ हमारे अच्छे हो गए। हम घर गए थे सारे पेड़ हमारे खराब हो गए थे, जैसे तैसे करके हमने सही कर लिए। और एक ही है, सो ये लोग तो लगे हुए हैं खेलने के लिए। एंड गाइस, आज है 10 तारीख, कल है 11 तारीख, तो कल 11 तारीख में हमारी है एनिवर्सरी। वो बाबू को मिलेगा केक खाने के लिए। नींबू पानी बना रही हूँ मैं यहाँ पे, एकदम ठंडा ठंडा नींबू पानी रेडी है। ये लगे हुए हैं काम करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 12 What numbers come after? 4 का after क्या होता है? 5 4 5 2 3 बहुत सारे कपड़े हैं। ये देखो यहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, मुझे सारे सूट हैं। मैं प्रेस तो अभी नहीं करूँगी, प्रेस मैं जब पहनती हूँ ना तभी प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं प्रेस करने बैठूँ इतने सारे कपड़ों पर, क्योंकि इनकी सेटें जो रहती है ना उन पर कर देती हूँ बस अकेला, क्योंकि इनका ऑफिस पहन जाना रहता है ना, तो इनको मैं फोल्ड करके रख। और ये है रुद्रांश की प्लेट, रुद्रांश के पास जा रही है, बैठा हुआ है टीवी देखने के लिए। सो गाइस, डिनर रेडी हो गया। ये है रुद्रांश की प्लेट, तो ये कर रहा है डिनर। अभी हम लोग थोड़ी देर से करेंगे, पहले मैं इसको खिला देती हूँ उसके बाद, क्योंकि वो अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं। सो उनका ऑफिस का काम जैसे ख़त्म हो गया फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे।